नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ATM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीपे वाला पुल का ब्लॉगिंग करेंगे, जो कि हमारे बस्ती जिले हर्रैया तहसील परसरामपुर क्षेत्र रामपुर गांव में पड़ता है। यह दो गांव के बीच में पड़ता है, जो कि रामपुर और सालेपुर के बीच में है। इस पुल का हम आज ब्लॉगिंग करेंगे और ये चलते हैं। यह पुल बहुत अद्भुत दृश्य का है और इसका हम देखते हैं इसके बारे में। ये जो दोस्तों, आइए चलते हैं हम इस पुल के ऊपर, इस पथ के माध्यम से चलते हैं, ऊपर का दृश्य देखते हैं पुल के। आइए चलते हैं हम पथ तक। आइए हम चलते हैं इस पुल के ऊपर। पहले ये ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया है पानी ज्यादा भरा होने के कारण। आइए बहुत कठिन रास्ते से चलते हैं। आइए हम ऊपर पहुंच गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, जो कि अब यहाँ पर पानी ज्यादा भर गया है, बाढ़ आई हुई है और यहाँ पर तो कम है, मनोरमा नदी के पास बहुत ज्यादा। तो हम इस पुल के ऊपर आ गए हैं और देखते हैं इस पुल का दृश्य, और जो कि ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज जमाने का पुल लग रहा है। और ये लखनऊ में भी एक जगह बनाया गया है, जो कि हमारे सुनने में आया है और देखने में भी आया है। और देखिए बहुत काफ़ी भरा हुआ पानी था, इसीलिए यह पुल बहुत ज़्यादा तूफान में है, फ्लो में है। इस तरफ से उस तरफ का पानी का बहाव ज़्यादा है और यहाँ पर पुपुही ज़्यादा हो गया है, जो कि हमारे भाषा में बोला जाता है पुपुही। और इस तरफ तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, दिखा दीजिए सर, इस तरफ बहुत ज़्यादा क्लियर है। आइए हम चलते हैं उस तरफ का भी दृश्य देखते हैं, जो कि रामपुर होते हुए सालेपुर के मार्ग पर चलता है। जो कि हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि कुछ लोग, कुछ किसान ऐसे हैं कि जो कि इस पार से उस पार आते जाते हैं, और इधर भी खेत उनका है और उधर भी खेत उनका है, तो इस पुल के जरिए अपना आवागमन करते हैं। और हम लोग चलते हैं उस पार का दृश्य देखते हैं और जानते हैं कि किसान जीवन बहुत कठिन का जीवन होता है। और इस पार का हम दृश्य बहुत नज़दीकी में है देख ले रहे हैं। इस पार बहुत पानी भरा होने का कारण अभी समय यह, इस समय ये आवागमन का रास्ता बंद है, और इस समय इसी कारण ये पुल का आवागमन का रास्ता बंद है। नहीं तो इस समय इस रास्ते से बच्चे भी पढ़ने जाते थे। दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, हमारे ATM ब्लॉग चैनल आप सभी का अपना चैनल है, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, और हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। और आइए चलते हैं हम इसी क्रम में बढ़ते हुए, और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।